में आज बन रहे हैं कलंदरी दाल चावल, तो किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें। आधा कप मूंग की दाल पीले रंग की जो होती है, आधा कप मसूर की दाल ऑरेंज रंग की, 1/4 कप माश की दाल सफ़ेद रंग की, बगैर छिलकों वाली दालें ली हैं और इनको एक दफ़ा धो लेते हैं साफ पानी से। दाल को 2 मरतबा मैंने सादा पानी से धो लिया है, साफ हो गई है। अब इसके अंदर उबलता हुआ गर्म पानी डाल के इसको भिगो रही हूँ 40 मिनट के लिए। 1.5 कप चावल लेके एक दफ़ा साफ पानी से धोने के बाद इसको मैंने नॉर्मल पानी में रूम टेम्परेचर जो है उसके अंदर भिगो दिया है। आधे घंटे के लिए चावल भीगेंगे। पानी मैंने इस डेगची में डाला हुआ है, चूल्हा जल रहा है और इसमें मैं 1 खाने का चम्मच नमक का ऐड कर रही हूँ। ढक्कन बंद करके जब इसमें अच्छी तरह से बबल्स बनेंगे तो फिर भीगे हुए चावल ऐड कर देते हैं। पानी अच्छी तरह से उबल रहा है और नमक भी इसमें मिक्स हो चुका है। अब इन चावलों में से पानी मैंने निकाल दिया है और ये भीगे हुए चावल इसमें ऐड कर रही हूँ। डेगची के ऊपर मैंने ढक्कन रखा हुआ था लेकिन थोड़ा सा खुला छोड़ा हुआ था ताकि पानी उबल के बाहर ना गिरे। चावलों को उबलते हुए 5 मिनट का टाइम हो गया है और चावलों की ये है कंडीशन। चावल आपस में ना जुड़े उसके लिए 1 खाने का चम्मच सिरका मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, बस 30 सेकेंड मजीद, और इसके बाद इसका पानी मैं निकाल देती हूँ। पानी निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। 1 खाने का चम्मच देसी घी चावल की खाली देगची में डाल रही हूँ। अभी देगची गर्म ही है, इसको मैंने वॉश नहीं किया। इसमें 2 लौंग और 2 हरी इलायची खुशबू के लिए ऐड कर रही हूँ। और ये रहे चावल जिसका पानी मैंने निकाल दिया है। घी के साथ चावलों को मिक्स करके 2 मिनट के लिए मैं इसको दम दे रही हूँ। इस वक्त आंच को तेज किया हुआ है, जरा सी भाप बन जाए 30 सेकेंड में ही, तो उसके बाद आंच हल्की कर देती हूँ और 2 मिनट हल्की आंच पे पकाती हूँ। 40 मिनट्स के लिए भीगी हुई दाल की ये कंडीशन है। पानी इसने ज़्यादातर जज्ब कर लिया है, इसको देगची में डालती हूँ। इसमें 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच कसूरी मेथी साफ करने के बाद, इसकी डंडियाँ वगैरह निकाल दी हैं और हाथ से इसको मसल लिया है। 3 कप पानी इसमें मैं ऐड करके दाल को पकने के लिए रख रही हूँ ढक्कन बंद करके। दाल को पकते हुए 1/2 घंटा हो गया है और दरमियान में इसको चम्मच चलाना ज़रूरी है क्योंकि देगची में दालें बहुत ज़्यादा चिपकती हैं। ये देखें अभी भी चिपक रही है और पानी इसका मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। और अब इस दाल को घोटना है और थोड़ी हल्की कर देती हूँ। घोटने की मदद से घोट के दालों का दाना ज़्यादातर मैंने तोड़ लिया है। अब इसके अंदर मैं 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसको मैंने चावलों के साथ प्रेजेंट करना है, तो दाल को थोड़ा पतला होना चाहिए, ये काफ़ी थिक है दाल। अब दाल को सर्व करने के लिए निकाल रही हूँ और तड़का इसके ऊपर ही डालूंगी। 1/4 कप देसी घी फ्राई पैन में डाल के गर्म कर रही हूँ और ये 3 लहसुन के जवे हैं, इनको इस तरह से गोल कतलों की सूरत में काट के इसके अंदर ऐड करती हूँ। आंच को हल्का कर दिया है, लहसुन ब्राउन हो रहा है। इसके अंदर 1 चाय का चम्मच जीरा, 1 चुटकी अजवाइन,
तो तैयार है हमारे मजेदार कलंदरी दाल चावल। गर्मा गर्म दाल है, इसके ऊपर तड़का लगाया है, उबले हुए चावल हैं, अचार और प्याज के छल्ले काट के उसके ऊपर काला नमक थोड़ा सा डाला हुआ है, दो चुटकी।